उधर यूक्रेन युद्ध पर एक और बड़ी खबर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बीच दोबारा फोन पर बातचीत हुई है। ये पूरी बातचीत 1.5 घंटे तक हुई, जिसके बाद मैक्रों ने आशंका जताई कि यूक्रेन में बहुत बुरा होने वाला है। यही नहीं, फ्रांस के राष्ट्रपति ने दावा किया कि पुतिन यूक्रेन पर कब्जा चाहते हैं। तो दूसरी बार फोन पर बातचीत हुई है दोनों नेताओं के बीच और फ्रांस ने ये बात कही है कि बहुत बुरा होने वाला है, पुतिन यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बीच फोन पर बातचीत हुई। पूरी बातचीत 1.5 घंटे तक चली और यूक्रेन युद्ध पर फ्रांस ने बड़ा दावा किया है कि यूक्रेन में बहुत बुरा होने वाला है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने दावा किया कि पुतिन यूक्रेन पर कब्जा चाहते हैं। वहीं यूक्रेन के कई शहरों के हालात हर गुजरते दिन के साथ बद से बदतर होते जा रहे हैं। आलम यह है कि भारतीय छात्रों को ट्रेन की एक सीट लेने के लिए अपना सामान तक बेचना पड़ रहा है। और ऐसी ही एक खबर खार्किव से सामने आई, जहां एक भारतीय छात्र ने ट्रेन की एक सीट के लिए अपना महंगा आईपैड तक औने पौने दाम में बेच दिया। खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जहां रूस की सेना ताबड़तोड़ मिसाइल हमले कर रही है। ऐसे में वहां पढ़ रहे भारतीय छात्र किसी भी तरह शहर से निकल जाना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें कई 100 किलोमीटर तक पैदल भी चलना पड़ रहा है। रेलवे स्टेशन पर छात्रों की भारी भीड़ है। हालात ऐसे हैं कि ट्रेन में एक एक सीट के लिए छात्रों को मारामारी करनी पड़ रही है। वहीं युद्ध के बीच यूक्रेन के लाखों नागरिक अपना देश छोड़ने को मजबूर हो गए। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए दूसरे देशों में पलायन शुरू कर दिया। खबर है कि अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। ये हालात खेरसोन शहर के रूस के कब्जे में आने के तक के बताए गए और अनुमान है कि जंग के खत्म होने तक 40 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़ चुके होंगे। यूक्रेन की जो राजधानी है वो कीव किसी वक्त भी रूस की सेना के सामने गिर सकती है। आशंका जताई जा रही है कि अगले कुछ घंटे बहुत ही अहम होंगे। एक तरह से उन्होंने इस जो जंग है उसमें एक तरह से जीत हासिल कर ली। की पर मंडराते पुतिन काल का खतरा, रूस यूक्रेन युद्ध की आंखों देखी, क्या महायुद्ध होकर रहेगा? यूक्रेन बॉर्डर से मेरे साथ। 8 दिनों से रूस इस शहर पर कब्जा करने की जंग लड़ रहा है, जिसके लिए दिन हो या रात वो लगातार मिसाइलें बरसा रहा है। रूसी मिसाइलों का निशाना बन रहे हैं वहां के स्कूल, अस्पताल और वो इमारतें जहां लोग रहते हैं। खार्किव से ऐसी ही एक और दहलाने वाली तस्वीर आई, जिसमें एक पत्रकार वहां के हालात बयां करता दिखा। वो अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी आसमान से तेज आवाज करती हुई एक मिसाइल ठीक उसी बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से पर आकर गिरी जहां वो खड़ा था। मिसाइल के धमाके के बाद वो पत्रकार जान बचाकर इमारत के अंदर भागता दिखाई दिया। लेकिन खार्किव के कई लोगों की किस्मत उस पत्रकार की तरह नहीं रही। रूस के ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों की जद में आकर वहां अब तक 30 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि शहर का एक बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। खंडहर में बदली इमारतें देखकर ऐसा लगा मानो कई साल से वहां कोई रहा ही न हो। दूर दूर तक सड़कों पर पत्थर, लकड़ी और बिल्डिंगों से टूटकर गिरे लोहे के टुकड़े बिखरे दिखे। मिसाइल हमले की मार से वहां की एक इमारत का तो नामोनिशान मिट गया। बताया गया कि बड़े से गड्ढे में बदली ये बिल्डिंग कभी बच्चों का स्कूल हुआ करती थी। यूक्रेन के मुताबिक रूस की सेना को खार्किव में घुसने से रोक दिया गया, जिसके बाद बौखलाहट में उसने मिसाइल हमले करके वहां के नागरिकों को निशाना बनाया। उधर यूक्रेन के सुमे शहर में रूस के सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। उसके कई टैंकों को यूक्रेन की सेना ने तबाह कर दिया। इन जवाबी हमलों से जुड़ा एक वीडियो यूक्रेन की सरकार ने जारी किया, जिसमें दिखा कि सुमय शहर की एक सड़क पर खड़े रूस के 2 टैंकों को यूक्रेन के सैनिकों ने रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दिया, जिसके बाद वहां जोरदार धमाका हुआ और टैंक आग की लपटों में घिर गए। इतना ही नहीं, यूक्रेन के एक दूसरे शहर में भी रूस के खिलाफ एक बड़ा हमला हुआ, जिसमें रूस की फौज को निशाना बनाकर भीषण गोलीबारी की गई, जिससे वो पूरा इलाका थर्रा उठा। इस दौरान इतने गोले बरसाए गए कि वहां थोड़ी देर के लिए गोलों के अलावा कुछ भी दिखना बंद हो गया।
अपनी सेना के इस कारनामे से खुश होकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस को धमकी तक दे डाली। यूक्रेन की फौज की जवाबी कार्रवाई का ये सिलसिला इसी तरह काफी देर तक वहां चलता रहा। वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव की ओर बढ़ रही रूसी सेना को घेरने के लिए यूक्रेन की फौज ने बड़ा कदम उठाया। उसने कीव को जोड़ने वाले एक अहम पुल को बम धमाके से उड़ा दिया, जिसका एक वीडियो खुद यूक्रेन की सेना की ओर से जारी किया गया, जिसमें पुल को गिराने के लिए एक साथ दो बड़े धमाके होते दिखाई दिए। धमाके इतने जोरदार थे कि कई किलोमीटर दूर तक भी उनकी आवाज सुनाई दी, और ब्लास्ट के बाद वहां से काफी ऊंचाई तक धूल और धुएं का गुबार उठता नजर आया। यूक्रेन की ओर से दावा किया गया कि उसने इस पुल को धमाकों के जरिए उड़ाकर रूसी सेना की वापसी के रास्ते को बंद कर दिया। उधर रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की लाइव रिपोर्टिंग के दौरान वहां एक धमाका हो गया। यह धमाका हुआ यूक्रेन की राजधानी कीव में, और वो भी तब जब ये पत्रकार वहां से लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था। वहां हुए इस हमले की ये पूरी घटना कैमरे में भी कैद हो गई। अमेरिकी टीवी चैनल के पत्रकार चार्ली रायथा अभी कुछ बोल ही रहे थे कि पीछे आसमान में तेज रोशनी चमक उठी। इसके बाद वो रुके और पास में खड़ी अपनी टीम के दूसरे लोगों से पूछा। फिर पत्रकार चार्ली ने वहां पीछे मुड़कर देखना शुरू किया। What the hell was that? इसे पहले कि चार्ली कुछ समझ पाते, तभी आसमान में एक जोरदार धमाका हो गया। हालांकि अच्छी बात यह रही कि पत्रकार और उनकी टीम को इस हमले में कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस बीच रूस के हवाई हमलों से यूक्रेन का इरपिन शहर भी दहल उठा। रूस के ताबड़तोड़ हवाई हमलों की वजह से रिहायशी इमारतों को भी भारी नुकसान हुआ, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें साफ दिखा कि दो लड़ाकू विमान इरपिन शहर पर बम बरसाते हुए तेजी से निकल गए, जिसके बाद वहां एक जोरदार धमाका हुआ जिससे पूरा इलाका थर्रा उठा। जिस जगह बमबारी हुई वहां से आग की लपटें भी उठती दिखाई दी। हमले के बाद की भी कुछ तस्वीरें सामने आईं, जिनमें दिखा कि इरपिन शहर की कई छोटी और बड़ी इमारतें खंडहर में तब्दील हो गईं। हवाई हमलों की वजह से शहर के ज्यादातर हिस्सों में सन्नाटा पसरा दिखा। मिसाइलों और बमों से किए गए हमलों के निशान इमारतों पर भी साफ नजर आए। कहीं इमारतों की दीवारें धराशायी हो गईं, तो कहीं खिड़कियों में लगे शीशे चूर चूर हो गए। इतना ही नहीं, इन इमारतों के आसपास खड़ी गाड़ियों के भी परखचे उड़ गए। माना जा रहा है कि इन इमारतों को एहतियातन पहले ही खाली करवा लिया गया था। वहीं रूस की सेना ने वहां के आम नागरिकों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। यूक्रेन के एनरहोदार में तो लोगों पर ग्रेनेड से हमला किया गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, और उस वीडियो में एनरहोदार शहर के एक इलाके में सड़क के किनारे कुछ लोग बातचीत करते दिखे। तभी उनके पास एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। धमाके के बाद वहां धुएं का गुबार उठता दिखा। जान बचाने के लिए लोग भाग खड़े हुए, लेकिन भागते लोगों को निशाना बनाने के लिए रूस के सैनिकों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। बताया गया कि रूस की सेना की तरफ से किए गए इस हमले में कई लोग घायल हो गए।